जानिए हवालात में कैसे गुजरी हनीप्रीत की रात। बलात्कारी बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। जब से बलात्कारी राम रहीम को जेल की सजा हुई है, हनीप्रीत उसी दिन से ही गायब थी। हनीप्रीत को पूरे देश की पुलिस तब से ढूंढ रही है जब से राम रहीम जेल गया है। कभी हनीप्रीत की नेपाल में होने की खबर आई तो कभी विदेश में, लेकिन अब हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। हनीप्रीत ने खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर किया है। पुलिस के सामने आते ही हनीप्रीत को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पूरी रात हनीप्रीत को जेल में रहकर पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ा। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में हनीप्रीत बहुत बार फुटफुट कर रोई भी। पुलिस थाने में कल रात हनीप्रीत को खाने में दाल और रोटी दी गई थी, जिसको उसने ठीक से नहीं खाया और थाने के एक कमरे में अकेले बैठकर काफी देर तक रोती रही। आज हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको कोई राहत नहीं मिली। हनीप्रीत को पंचकूला की जिला अदालत ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। वही हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में हनीप्रीत को निर्दोष बताते हुए उसकी जमानत की मांग की, जिसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल हनीप्रीत अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और धीरे धीरे वो अब राम रहीम और खुद को लेकर कई बड़े खुलासे करने वाली है।